सदर की गोवा कॉलोनी में मामूली विवाद के बाद गुंडों की टोली ने एक युवक पर चार फायर कर दी, लेकिन आरोपियों का निशाना चूकने से कोई जख्मी नहीं हुआ है। यह वारदात गुरुवार की रात 9 बजे हुई। इस फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चाट का ठेला लगाने वाले कुछ युवक गुरुवार की रात 7 बजे गोवा कॉलोनी के चौक पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान वहां दो शराबी आकर शोर मचाने लगे। युवकों के साथ बैठे सूरज नामक युवक ने शराबियों को दूर जाकर बड़बड़ करने को कह दिया। इसके बाद एक शराबी गालियां देने लगा। इस पर ग्रुप में खड़े एक युवक ने शराबी को दो थप्पड़ लगाए। थप्पड़ खाने के बाद शराबी ने मारने वाले युवक को धमकाते हुए माँ का दूध पिया तो रुको मैं अभी आता हूँ बोल कर दिया, लेकिन युवकों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद रात 9 बजे दो बाइक पर 6 आरोपी युवक गोवा कॉलोनी पहुँचे। उन्होंने मारने वाले युवक की दिशा में 4 राउंड पार कर दिए। इस बीच गोवा कॉलोनी के लोग जमा होने लग गए। भारी संख्या में लोगों को अपनी ओर आते देख आरोपी गुंडे बाइक पर फरार हो गया। इस घटना की सूचना मिलने पर सदर के थानेदार संतोष बकाल पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, उपायुक्त विनीता शाहू, एसीपी सुधीर नंदनवार और अपराध शाखा की टीम भी पहुंच गई। सूत्रों के अनुसार गुंडों की टोली मरियम नगर इलाके की होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस टीम को आरोपियों की धरपकड़ के लिए रवाना किया गया। पीआई बकाल के अनुसार रात करीब 9:45 बजे आरोपियों ने हवा में फायर किया था। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। रात 11 बजे 3 युवकों को हिरासत में लेकर पिस्तौल और एक चाकू बरामद किया गया था। सदर पुलिस ने देर रात तक आरोपियों से उनके अन्य साथियों के संबंधित पूछताछ की। फिरियादी सूरज और मौसम खान की शिकायत पर साथी तीन आरोपियों की पूछताछ पर पुलिस ने अशफाक अनवर खान, मुस्तफीन सलीम खान, आबिद अहमद खान, आसिम विल्सन, जोसफ मेहताब, आसमुद्दीन अंसारी और अरमान अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरुण साधारण संध्याकाळी 7 ते 7:30 दरम्यान तिथे गेला आणि तिथल्या एका व्यक्तीला म्हणला की मला दारू पाहिजे। तो म्हणे की दारू नाहीये, तू निघून जा, ऑलरेडी तो दारू पिलेला होता त्यामुळे त्याला त्याला निघून जायला सांगितलं। तो जात नसल्यामुळे त्यांनी फिर्यादीला म्हटलं की याला घेऊन जा म्हणून तिकडे। फिर्यादीला घेऊन जायला लागला तर तो दारूच्या आरोपी दारूच्या नशेत असल्याने त्याने शिवीगाळ केली। शिवीगाळ केल्यामुळे यांनी एक त्याला झापड मारली। झापड मारल्यानंतर यांनी त्याला धमकी दिली की आधी मैं थोडी देर में हमला लेके आता। असं म्हटल्यानंतर तो परत 9 वाजता आला दोन स्कूट म्हणजे मोपेडवर। 6 तरुण आले, त्यांनी तिथे फायर केला। साधारण 2-3 फायर केले आहेत तिथे। एक आम्हाला तिथं जिवंत काडतूस मिळालेला आहे देशी कट्ट्याचा आणि 2 कैटरेज मिळालेले आहेत खाली बुलेट। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।